नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 25 अगस्त। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जारी हुआ बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जारी हुई अधिसूचना। जल जीवन हरियाली में बिहार के इस जिले ने मारी बाजी। बिहार का पहला जू सफारी बनकर हुआ तैयार। बंद पड़े आयुर्वेद कॉलेज खुलेंगे जल्द। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बिहटा पटना ने निकाली रिक्तियां। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बिहटा पटना ने टीचिंग फैकल्टी, सुपर स्पेशलिस्ट, एडजकेंट फैकल्टी, सीनियर रेजिडेंट के कुल मिलाकर 36 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो जनरल मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, इमरजेंसी मेडिसिन, रेडियो डायग्नोसिस, एनेस्थीसिया, जनरल सर्जरी, पीएमआर, पीडियाट्रिक्स, टीबी चेस्ट, फोरेंसिक मेडिसिन, पैथोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, हेमटोलॉजी, गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी में डिग्री होना अनिवार्य है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास एमबीबीएस और पीजी डिग्री, डीएम, एमसीएच, डीएनबी, प्रासंगिक अनुशासन में और 5 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार साक्षात्कार तारीख 27 अगस्त 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.esic.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL पर जाकर ले सकते हैं। जल जीवन हरियाली में बिहार के इस जिले ने मारी बाजी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक जल जीवन हरियाली अभियान में बिहार के गया जिले ने बाजी मारी है, जिसके तहत समीक्षा बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त सुमन कुमार ने इसकी जानकारी दी है। इस बाबत उन्होंने जोर देकर कहा कि इसे बनाए रखने के लिए सबको लगातार मेहनत करने की जरूरत है। वहीं गया जिले को 64.94 फाइनल अंक प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रपत्र 1 के अंतर्गत जल स्रोत को अतिक्रमण को मुक्त करना, नए जल संरचना का निर्माण में 9.91 अंक, प्रपत्र 2 अंतर्गत सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं का जीर्णोद्धार में 20.14 अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं इस बैठक के दौरान कुओं के जीर्णोद्धार, कुओं चापाकल के नजदीकी सोखता का निर्माण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सरकारी भवन पर सोलर प्लेट, लोक शिकायत और अन्य मसलों की समीक्षा भी की गई। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जारी हुई अधिसूचना। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत पंचायत चुनाव के पहले चरण जो कि 24 सितंबर को होने वाले हैं, जिसमें 10 जिलों के 12 प्रखंड में चुनाव होंगे। इन जिलों में रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई, बांका जिले के अलग अलग प्रखंड में चुनाव होंगे। दूसरे चरण में 34 जिले के 48 प्रखंडों में चुनाव होंगे। तीसरे चरण में 35 जिलों में 50 प्रखंडों में चुनाव कराना निर्धारित किया गया है। वहीं चौथे चरण में 36 जिला के 53 प्रखंडों में चुनाव होंगे। पांचवें चरण में 38 जिलों के 58 प्रखंडों में चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे। छठे चरण में 37 जिलों के 57 प्रखंडों में पंचायत चुनाव होगा। सातवें चरण में 37 जिलों के 63 प्रखंडों में चुनाव और आठवें चरण में 36 जिले के 55 प्रखंडों में चुनाव कराना निर्धारित किया गया है। नौवें चरण में 33 जिले के 53 प्रखंड शामिल है। दसवें चरण में 34 जिले के 53 प्रखंड और आखिरी और 11वें चरण में 20 जिलों के 38 प्रखंडों में पंचायत चुनाव कराना निर्धारित किया गया है। ज्ञात हो आखिरी चरण 12 दिसंबर को आयोजित होने वाला है। बंद पड़े आयुर्वेद कॉलेज खुलेंगे जल्द। बिहार में लंबे समय से बंद पड़े आयुर्वेदिक कॉलेज को खोलने की तैयारी हो रही है। इतना ही नहीं, आयुर्वेदिक डॉक्टरों की बहाली का रास्ता भी साफ हो जाएगा, जिसके तहत कुल मिलाकर 3,270 आयुर्वेदिक डॉक्टरों की बहाली की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। इस बाबत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और आयुष विभाग के ईडी को इसके लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। निर्देश के साथ ही तैयारियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आदेश के साथ ही फिलहाल बिहार के भागलपुर और बक्सर के आयुर्वेदिक कॉलेज को शुरू किया जाएगा। अब आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जिले के मौसम का हाल। आईएमडी पटना द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज जिले में आज अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में भी अनेक जगहों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले में भी आज अधिकतर जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार
बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के कुछ ही स्थानों पर बारिश की संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय जिले के कुछ ही जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया के जिले के अधिकतर जगहों पर बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। इंटर में एडमिशन की बढ़ी तारीख। बिहार बोर्ड से इंटर में एडमिशन लेने के इच्छुक छात्रों के लिए अहम सूचना। बिहार में वर्तमान समय में प्लस टू स्कूल और कॉलेज में इंटर में एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। साथ ही कुछ ही दिनों पहले बोर्ड ने भी आधिकारिक रूप से पहली लिस्ट जारी की थी, जिसके तहत केवल 24 अगस्त तक ही नामांकन की बात कही गई थी। हालांकि अब बिहार बोर्ड ने अपने इस फैसले में राहत दी है, जिसके तहत बोर्ड ने पहली सूची में शामिल छात्रों को एडमिशन के लिए 31 अगस्त तक का समय दे दिया है। जारी हुआ बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट। हाल ही में 13 अगस्त को बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन करवाया गया था, जिसके परिणाम की घोषणा बीते दिन कर दी गई है, जिसके तहत अब सभी उम्मीदवार अपना परीक्षा परिणाम bihar-cet-bed-lnmu.in पर जाकर देख सकते हैं। ज्ञात हो 117,968 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, इनमें से 112,146 उम्मीदवार परीक्षा में पास हुए हैं। सफल उम्मीदवारों में 47,757 महिला और 64,383 पुरुष उम्मीदवार हैं। बीएड रेगुलर कोर्स के लिए 111,981 और बीएड शिक्षा शास्त्री के लिए 165 उम्मीदवार सफल रहे हैं। हालांकि पहले यह परीक्षा परिणाम आज यानी कि 25 अगस्त को जारी होने वाला था, लेकिन यह परिणाम एक दिन पहले ही जारी कर दिया गया है। पीएम से मुलाकात कर प्रदेश लौटे सीएम नीतीश। जातीय जनगणना के मुद्दे पर पीएम से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश बीते दिन बिहार लौट आए हैं। वहीं बिहार लौटते ही उन्होंने एयरपोर्ट पर ही पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि देश हित में जातीय जनगणना जरूरी है, इसलिए जातीय जनगणना एक बार होनी चाहिए, लेकिन अब यह फैसला केंद्र सरकार को लेना है। इस दौरान उन्होंने बताया कि जातिगत जनगणना को लेकर पीएम मोदी से मिलने का आग्रह उन्होंने किया था, जिसके बाद ही पीएम ने मिलने के लिए बुलाया था। उनके साथ मुलाकात अच्छी रही। हमारे साथ गए सभी प्रतिनिधिमंडल ने भी अपनी अपनी बात रखी है। पीएम मोदी ने सभी की बातों को ध्यान से सुना है। हमें उम्मीद है कि पीएम मोदी कोई सही निर्णय ही लेंगे। बहरहाल उन्होंने इस दौरान जातीय जनगणना को लोगों के हित में बताया। प्रतिबंधित दवाइयों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछे सवाल। बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से प्रतिबंधित दवाओं के व्यापार को लेकर हल्फनामे की मांग की है। इस बाबत शशि रंजन सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को हल्फनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की माने तो बिहार ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और रूल्स 122E का हवाला देते हुए कहा गया है कि कानून के प्रावधानों के विरुद्ध प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री की जा रही है। साथ ही कथित तौर पर पूरे राज्य में केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री वर्तमान समय में प्रभावी ड्रग कंट्रोलर की मिलीभगत से की जा रही है, जिसके बाद अब पटना हाईकोर्ट ने भी इस मामले में सख्ती दिखाई है और 31 अगस्त की अगली सुनवाई के दौरान सरकार से जवाब की मांग की है। बिहार के टूरिज्म सेक्टर को मिलेगा भारतमाला प्रोजेक्ट का साथ। बिहार के टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दिए जाने की कोशिश में सरकार लगातार जुटी हुई है। वहीं अब बिहार सरकार को केंद्र की भारतमाला प्रोजेक्ट का साथ मिलने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट भारतमाला में शामिल अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक प्रस्तावित राम जानकी मार्ग का विस्तार हो रहा है। ऐसे में बिहार के लिए खास बात यह है कि केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से बिहार को भी जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत अब इस मार्ग को बिहार के बुद्ध सर्किट और शक्ति सर्किट से भी जोड़ा जाएगा, जिससे बिहार के पर्यटन व्यवसाय को एक नई दिशा मिलेगी। इस बारे में आर्थिक सामाजिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार ने कहा है कि भारतमाला परियोजना का विस्तार जिस तरह से बिहार में करने की योजना है, उससे निश्चित तौर पर पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे। पीएमसीएच में ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की उठी मांग। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में कई ऐतिहासिक धरोहर है, जिसके तहत अस्पताल में लकड़ी की फ्रिज और अंग्रेजों के जमाने में ऑक्सीजन तैयार करने की मशीन भी शामिल है। जानकारों की माने तो पटना मेडिकल कॉलेज में कई ऐसे उपकरण हैं जो अंग्रेजी हुकूमत के समय के हैं। हालांकि अब इन सामानों को कबाड़ समझकर हटाने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद ही स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत इन कार्यकर्ताओं की मांग है कि अंग्रेजी हुकूमत के सरकारी अस्पताल कार्यालयों में लगे मेडिकल उपकरण को प्राचीन धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा जाए। कार्यकर्ताओं की माने तो आने वाली पीढ़ियों को इन उपकरणों को देखना जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री ने संभावित तीसरी लहर से पहले बड़ी आबादी की वैक्सीनेशन करने की कही बात। बिहार में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है, हालांकि इन सब के बीच वैज्ञानिकों ने तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी कर दी है।
जिसके तहत अब बिहार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने की बात हो रही है। इस बाबत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र कारगर हथियार है। लिहाजा बिहार में तेज गति से टीकाकरण का काम हो रहा है। उम्मीद है कि तीसरी लहर से पहले हम बड़ी आबादी को वैक्सीनेट कर लेंगे। इस बाबत उन्होंने कहा कि बिहार में अब तक 3,24,00,000 लोगों को टीका दिया जा चुका है। औसतन हर रोज 3,00,000 लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। शीघ्र ही पटना जिले को पूरी तरह वैक्सीनेशन के मामले में कवर कर लिया जाएगा। बिहार में अब वैज्ञानिक जांच से दोषियों को दिलाई जाएगी सजा। बिहार में सरकार अब नो टॉलरेंस नीति के तहत काम करने वाली है। यही कारण है कि बिहार में बढ़ रहे आपराधिक मामलों को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार सजा देने के प्रावधान में ही बदलाव करने वाली है, जिसके तहत बिहार में अब जल्द ही वैज्ञानिक जांच से दोषियों को सजा दिलाने का प्रयास तेज किया जा रहा है। इस बाबत जल्द ही देहरी में फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी खुलने वाला है, जिसके तहत अब घटनाओं से जुड़ी किसी भी सैंपल जांच को लेकर लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस बाबत गृह विभाग के निर्देश पर देहरी मुफस्सिल थाना के समीप पहलेजा में भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। ज्ञात हो कार्यालय का प्रमुख निदेशक होंगे, इसके लिए उनके पद का सृजन भी जल्द ही किया जाएगा। आज पटना में डबल डेकर का होगा शिलान्यास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रदेशवासियों को कई योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। इसको लेकर वो सबसे पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का वर्चुअल रूप से शिलान्यास करेंगे। इतना ही नहीं, आज वो 4 स्टेट हाईवे का भी उद्घाटन करेंगे, जिसके तहत बहिया से जगदीशपुर पीरो बेहटा SH-102, अमरपुर अकबर नगर SH-85, घोघा पंजवारा SH-84 और बिहारीगंज बाईपास का भी उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद डबल डेकर फ्लाईओवर से अशोक राजपथ पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी, वहीं ट्रैफिक भी बेहतर होगा। इसके साथ ही पटना के कारगिल चौराहे से NIT तक बनने वाला यह डबल डेकर से लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। बिहार को जल्द ही मिलेंगे 1605 जाबाज दरोगा। 26 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष भव्य कार्यक्रम के दौरान 2 साल का प्रशिक्षण पूरा करने वाले दरोगा के सबसे बड़े बैच को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। जानकारों के माने तो 1994 के बाद इतनी बड़ी संख्या में दरोगा ने यहां से पासिंग आउट परेड किया है, जिसके तहत 2018 बैच के 1605 युवा युवती यहां से प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। इस बाबत बीते दिन प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टरों का रिहर्सल परेड आयोजित किया गया था। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में अपर पुलिस महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन उपस्थित हुए थे, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह गर्व की बात है। जहाज के साथ ईंधन भी मिलेगा बिहार में। अब बिहार में विमान के साथ साथ ईंधन भी मिलने वाला है, जिसके तहत बिहार के बेगूसराय जिले में इस साल के अंत तक एविएशन टरबाइन फ्यूल का उत्पादन शुरू होने की उम्मीद जताई गई है। उत्पादन शुरू होने के बाद बिहार में विमानों के लिए ईंधन यहीं से उपलब्ध हो जाएगा। इसके साथ ही दूसरी तरफ पॉलीप्रोपिलीन यूनिट की स्थापना की दिशा में भी कार्य प्रगति पर है। इसके तहत एटमॉस्फेरिक वैक्यूम यूनिट और पॉलीप्रोपिलीन इकाई की स्थापना की जाएगी, जिससे कि बिहार में पेट्रोकेमिकल युग की शुरुआत होगी और पॉलीमर आधारित उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। अभी प्लास्टिक उत्पाद के लिए बिहार को दूसरे राज्यों का सहारा लेना पड़ता है। ज्ञात हो इंजन प्रोडक्ट के तहत रिएक्टर का निर्माण हो चुका है। 250 किलो टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली इस यूनिट की स्थापना से ATF का उत्पादन शुरू हो जाएगा। जू सफारी बनकर हुआ तैयार। बिहार का बहुप्रतीक्षित इकलौता जू सफारी बनकर तैयार हो गया है, जिसके तहत अब जल्द ही इसके शुरू होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार जू सफारी को अब बस सेंट्रल जू अथॉरिटी की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। मंजूरी मिलते ही इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ज्ञात हो यह प्रोजेक्ट पिछले साल ही पूरा होने वाला था, हालांकि कोरोना के कारण इसमें देरी हुई है। वहीं बिहार के पहले जू सफारी को लेकर वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने ETV भारत से बातचीत के दौरान कहा कि शेर, बाघ, तेंदुआ समेत अन्य जानवरों को पटना चिड़ियाघर से राजगीर शिफ्ट किया गया। जू सफारी में अब फिनिशिंग का काम चल रहा है। बहुत जल्द मुख्यमंत्री से समय लेकर अगले कुछ महीने में इसका उद्घाटन करवा दिया जाएगा, जिसके बाद ये आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ट्रेनिंग पर जाएंगे बिहार के 5 IPS अधिकारी। बिहार के 5 IPS अधिकारियों को जल्द ही ट्रेनिंग पर भेजने का काम किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इन सभी IPS अधिकारियों को राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद और मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। ज्ञात हो भेजे जा रहे 5 IPS अधिकारियों में 2 IG और 3 DIG रैंक के अधिकारी शामिल है। 1998 बैच के सीनियर IPS अफसर और मगध रेंज के IG अमित लोढ़ा और 2003 बैच के IPS विजय कुमार वर्मा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के DIG छत्रनील सिंह, वितंतु और तकनीकी सेवा के DIG अनसुईया रन सिंह साहू और पदस्थापना की प्रतीक्षा कर रहे DIG रैंक के अधिकारी मोहम्मद शफीउल हक को प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है।
केसी सिंह के बाद हम भी सुनेंगे जनता की फरियाद। इन दिनों बिहार में जनता दरबार आयोजित करवाए जाने की होड़ मची है। सालों बाद जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दरबार की शुरुआत की, वहीं भाजपा के बाद बीते दिन मंत्री लेसी सिंह ने जनता दरबार का आयोजन कर लोगों की फरियाद सुनी। उसके बाद संबंधित अधिकारियों को फोन कर मामले को देखे जाने की बात भी कही है। मंत्री लेसी सिंह ने बताया है कि कई मामले तो खुद उनके विभाग से ही जुड़े हुए थे, वहीं कई मामले शिक्षा और पुलिस विभाग से भी थे। वहीं इसी बीच हमने भी अब दरबार लगाने का फैसला लिया है। इस बाबत हम के मंत्री संतोष मांझी और विधायक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा पटना स्थित आवास पर हर मंगलवार को जनता दरबार लगाने की बात कही गई है। पशुपति पारस ने चिराग को दी चेतावनी। इन दिनों केंद्रीय मंत्री की कुर्सी संभालने के बाद पशुपति पारस बिहार दौरे पर है, जहां उन्होंने हाल ही में अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। हालांकि इस दौरान उन्हें लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन हाजीपुर में अपनी लोकप्रियता को लेकर अभी भी वो आश्वस्त है। यही कारण है कि बीते दिन उन्होंने चिराग पासवान के हाजीपुर दौरे पर सवाल उठाते हुए उन्हें उनके संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अगर चिराग हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो लड़े। वहीं पारस ने आगे कहा कि रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं ही हूं। ये बात सच है कि पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है। दिवंगत रामविलास पासवान की संपत्ति के असली उत्तराधिकारी चिराग पासवान ही है, लेकिन उनके असली राजनीतिक उत्तराधिकारी तो मैं ही हूं। राजद में मची घमासान के बीच दिल्ली में मौज करते दिखे तेज प्रताप यादव। राजद में इन दिनों पारिवारिक कलह जारी है। इन सब के बीच तेज प्रताप यादव जितने गुस्से में बिहार में नजर आ रहे थे, दिल्ली जाते ही उनका गुस्सा शांत हो गया है। उनकी तस्वीरों को देखकर तो इसी बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। सियासत की विरासत में हिस्सेदारी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर भारी बवाल खड़ा करने के बाद दिल्ली में दोस्तों के साथ मस्ती करते तेज प्रताप यादव नजर आए हैं, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में तेज प्रताप यादव बेहद ही कूल अंदाज में नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में तेज प्रताप यादव जींस और टी शर्ट में दिल्ली के बसंत कुंज के अपने दोस्त के साथ इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत पोलो विश्व विजेता 1975 में आज के दिन बना था। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया और मुंबई देवी मंदिर के पास 2003 में हुए कार बम विस्फोट में 50 लोगों की जान चली गई थी, 150 से अधिक घायल हो गए थे। मध्य प्रदेश सरकार ने 2008 में साल 2008-09 के लिए सरकारी स्कूल के सभी छात्रों को बीमा करने का अनुरोध किया था। अभिनेता और नेता विजयकांत का जन्म 25 अगस्त 1952 को हुआ था। प्रसिद्ध उर्दू कवि अहमद फराज ने आज के दिन दुनिया को अलविदा साल 2008 में कहा था। चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने भी 2012 में आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। विराट कोहली की बल्लेबाजी को लेकर इंग्लिश क्रिकेटर ने कही अपनी बात। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं। ये दोनों मुकाबले काफी शानदार रहे। हालांकि इस मुकाबले में विराट कोहली के बल्ले से रनों की कोई खास बौछार तो नहीं हुई, जिसके बाद अब विराट कोहली अपने बल्लेबाजी में लगातार क्यों फेल हो रहे हैं, इसके बारे में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने बताया। इस बाबत उन्होंने कहा कि कोहली अपनी कप्तानी में ही इतना ज्यादा जोर लगा रहे हैं कि इसका असर उनकी बल्लेबाजी पर पड़ा है। कप्तानी पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से उनकी बल्लेबाजी में कुछ कमी आई है। ऑफ स्टंप की गेंद देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करना है। वो वैसी ही गलतियां कर रहे हैं जैसा साल 2014 में कर रहे थे। इसके साथ ही आज भारत बनाम इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा, जिसमें देखना यह दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम इस बार लीड करती है। फेसबुक पर अब मिलेगी वॉइस और वीडियो कॉलिंग की सर्विस। फेसबुक अब यूजर को मेन ऐप से वॉइस और वीडियो कॉल करने की सुविधा देगा। वॉइस और वीडियो कॉलिंग फीचर को पहले मैसेंजर ऐप में लाया गया था। इससे पहले फेसबुक पर वीडियो और वॉइस कॉल करने के लिए यूजर को मेन ऐप से बाहर निकलकर मैसेंजर ऐप पर जाना पड़ता था। हालांकि अब फेसबुक ने इस फीचर को अपने मेन ऐप में वापस ले लिया है। यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों के यूजर अब मेन फेसबुक ऐप से सीधे वीडियो और वॉइस कॉल कर सकते हैं। सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 24 अगस्त को 22 कैरेट के लिए 10 ग्राम 45,770 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,670 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,800 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.87 रुपए प्रति लीटर और डीजल के भाव 95.57 रुपए प्रति लीटर थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नेहा कुमारी, श्वेता रॉय, प्रदीप, रामपुकार ठाकुर, माही आनंद कुमार, पप्पू यादव, गौतम कुमार, शंकर मुखिया, बबीता यादव, शशि कुमार, ललन राम, सूरज कुमार, सोनू कुमार, ललित कुमार, चंदन कुमार, उमेश यादव, शशि भूषण, आनंद कुमार, अभय कुमार, नीतीश कुमार, रितेश कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है।
आपके अनुसार बिहार पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाके में अंतिम चरण में चुनाव कराने का फैसला सही है या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।